नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइंस पर। आज अपन देखने वाले हैं ट्रिक नंबर सात है, वो अपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या दे रखा होगा कि किसी संख्या के अंदर अगर अपन 221 का भाग दे तो अपने पास सेंस फल 64 मिलता है, और उसी संख्या के अंदर अगर अपन 13 से भाग दे तो अपने पास जो नया सेंस फल आएगा वो क्या आएगा, इसके बारे में इस सेंस फल को अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि जो अपने पास पिछला सेंस फल था उसके अंदर जो अपने को अब जो नई संख्या का भाग देना है उसका भाग दे दो इसके अंदर। तो यहाँ से मैं अगर 64 के अंदर 13 का भाग दूँ तो अपने पास भाग 4 बार जाएगा तो अपने पास 52 आएगा, तो अपने पास जो सेंस बचा है तो सेंस कितना बचा अपने पास 12 सेंस बच जाएगा। तो इसका आंसर सीधा क्या होगा, अपने पास 12 इसका सीधा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 221 दे रखे है, 221 के अंदर 13 का भाग जाएगा ही जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है अपने पास। इसके अंदर दिया है अपने को कि 387 है इसके अंदर, किसी संख्या के अंदर अगर 387 का भाग दे तो अपने पास सेंसफल कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। तो अपने पास उसी संख्या के अंदर अगर 43 का भाग दो तो मेरे पास सेंसफल क्या आएगा, तो इस 43 का है ना वो भाग इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पहले देख लेना कि इस संख्या का भाग इसके अंदर जाता है या नहीं जाता, जैसे 43 का भाग इसके अंदर जाता है या नहीं जाता, ये क्वेश्चन पहले चेक कर ले आप। अगर नहीं जाता है तो इसको अपन निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन दिया हुआ होगा अपने को, उस ऑप्शन में लिखा हुआ होगा कि अपन इसको निर्धारित नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है अपने को तो इसका भाग जा रहा है अपने पास, और 48 के अंदर मैं अगर 43 का भाग दूं तो अपने पास पता है कि एक बार भाग जाएगा और सेंसफल है अपने पास 5 बच जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये एकदम बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो एक नंबर का क्वेश्चन अपन आसानी से इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।